हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ये तेजी क्यों हुई उसके बारे में बात करेंगे और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर जो कि आपको 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। इस गिरते हुए मार्केट में भी जैकपॉट शेयर ऊपर जाके क्लोज होते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं। आज भी मैंने दो स्टॉक दिए थे, दोनों भी, एक तो अपर सर्किट में क्लोज हुआ और दूसरा भी 6% प्लस में क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, ब्रैडकॉम ग्रुप में अगर आप देखोगे तो आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सबके होप जाग गए, सबको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया अचानक कि ब्रैडकॉम ग्रुप में इतना उछाल देखने को मिला। अराउंड 10% की तेज़ी देखने को मिली थी, हालांकि बाद में 3% पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट काफ़ी दिनों के बाद ये तेज़ी देखने को मिली है हम लोगों को। आज NSE पर अराउंड 3,44,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, BSE पर अराउंड 77,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए, सो ऑल टुगेदर अराउंड 4,00,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम फिर से देखने को मिला है। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज ओनली 25% की डिलीवरी हुई है, फिर से आज भी ऑपरेटर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करके शेयर जो ऊपर भाग रहा था फिर से नीचे लाने का काम किया। निफ्टी आज 0.21% डाउन था, निफ्टी IT आज 0.43% प्लस था। तो ये तो एक बात हो गई। और आज ब्रैडकॉम ग्रुप ने काफ़ी दिनों के बाद 31 रुपीज़ के लेवल को टच किया, लो लगाया था 26.55 रुपीज़ का। इसके देखिए तेजी के लिए काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि अचानक क्या हो गया। मुझे 2-3 लोगों के मैसेज भी आए हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप में क्या चल रहा है, अचानक इतनी तेज़ी क्यों आई, कोई न्यूज़ है क्या? फ्रेंड्स, न्यूज़ नहीं है, उसके 3 से 4 कारण है, वो आपको बताता हूँ। नंबर 1, आज यूरोप मार्केट पॉजिटिव खुला था। कारण क्या है फ्रेंड्स, देखिए आज USA का दिसंबर का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होने वाला है, इसीलिए भी मार्केट हमारा आज गिर रहा था, क्योंकि USA में इन्फ्लेशन का डेटा अगर नेगेटिव आया मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो US मार्केट क्रैश होगा, तो कल हमारा मार्केट भी क्रैश रहेगा। वो डर के मारे आज कोई पोजिशन लेना चाहता नहीं था, इसीलिए थोड़ी सुस्ती थी मार्केट में और डाउन था ज़्यादातर मार्केट। तो इसके कारण भी अगर आप देखोगे ब्रैडकॉम ग्रुप भी 1-1.5 बजे तक एक ही रेंज में चल रहा था, अचानक तेज़ी आई। तेज़ी क्यों आई फ्रेंड्स, एक तो यूरोप मार्केट काफ़ी पॉजिटिव खुला, तो यूरोप मार्केट पॉजिटिव खुलने के कारण थोड़ा सा फिर से मार्केट में जो गिरावट लगातार चल रही थी वो रिकवरी हो गई। ये पहला रीज़न है यूरोप मार्केट पॉजिटिव खुला था इसलिए। दूसरा रीज़न ये है कि 26.55 रुपीज़ उसको टच करके एक बार बाउंस लिया फिर से ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर ने, मतलब उसको ब्रेक करता तो नीचे जाता था पर ब्रेक नहीं किया, उसको सपोर्ट बोल के यूज़ करके फिर से बाउंस करके ऊपर गया। ये दूसरा रीज़न है, मतलब उसने टेक्निकल स्पेस सपोर्ट लेकर बाउंस किया, ये एक दूसरा रीज़न है। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज IT कंपनियों के, बड़े बड़े IT कंपनियों के रिजल्ट अनाउंस हुए, जैसे इन्फोसिस, साइंट, HCLTech, इनके जो रिज़ल्ट है ये अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ओवरऑल जो TCS का रिजल्ट भी कंपेरेटिवली अच्छा है, हालांकि मार्केट को पसंद नहीं आया, बट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ थी, वैसे ही इन्फोसिस का रिजल्ट भी अच्छा आया, HCLTech का भी अच्छा आया है, तो कहीं ना कहीं, और साइंट का भी बहुत अच्छा आया, तो इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। तो इसके कारण क्या था कि मार्केट में जो एक डर का माहौल फैल गया था IT सेक्टर के बारे में कि IT सेक्टर लगातार गिरते जाएगा, रिजल्ट ख़राब आने वाले इस क्वार्टर के, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने इसके ऊपर अपनी राय जाहिर की थी सब TV चैनल्स पे भी, और जो भी वेबसाइट्स थी वहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा सा सबके मन में डर था, तो वो डर निकल गया, उसके कारण भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के रिजल्ट ख़राब आने वाले थे, ब्रैडकॉम ग्रुप के रिजल्ट तो अच्छे आने वाले हैं ही, बट निफ्टी IT अगर गिरता है तो ब्रैडकॉम ग्रुप पे भी प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसीलिए ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर भी मरा मरा सा चल रहा था, स्लो चल रहा था, बट जैसे आज इन्फोसिस के भी रिजल्ट अच्छे आए, HCLTech के भी अच्छा है, साइंट के भी अच्छा है, तो ये 3 कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने के कारण शेयर में अचानक उछाल देखने को मिला। बट वहीं हुआ फिर से, ऑपरेटर लोगों ने उसको ऊपर लेके गए, फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो जो 9-10% के 9-10% का जो प्रॉफिट था जो ऊपर गया था, फिर से क्लोजिंग देते वक्त 3% का ही प्रॉफिट रह गया, मतलब 28.20 रुपीज़ पर क्लोज हुआ। बट ये पॉजिटिव बात ये है कि आज इसने फिर से ब्रेक किया 30 रुपीज़ का लेवल, जो काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, हालांकि 28 पे ही क्लोजिंग दिया है,
तो अभी देखिए, यूएसए का जो सीपीआई का डेटा है आज रिलीज होने वाला है, उसके लिए मार्केट रुका हुआ है। अगर वो जो डेटा पॉजिटिव आया मार्केट के हिसाब से और मार्केट में तेजी देखने को मिली यूएस मार्केट में, तो हमारे यहाँ भी तेजी देखने को मिलेगी, तो कल हो सकता है बैटका ग्रुप का शेयर भी फिर से 29 रुपीज़ या 30 रुपीज़ को टच करने की कोशिश करें। बट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 40-50 रुपीज़ तक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ भी हो गया, तेजी भी आई या फिर क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा है, तो एक बार 34-35 मैक्स टू मैक्स 40 रुपीज़ तक जा सकता है। उसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी अभी कम लग रही है, क्योंकि जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और शेयर नीचे आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं, 5th और 6th दिसंबर के जो लोग अटके हुए हैं उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और सब मिलके सेबी के ऊपर केस फाइल करने जा रहे हैं कि भाई हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो ये जो ग्रुप बना के लोग केस करने जा रहे हैं सेबी के ऊपर, तो जो लोग अटके हुए हैं वो लोग केस कर सकते हैं सेबी के ऊपर, क्योंकि केस जो फाइल करेंगे जिसको पॉसिबल होगा वो कीजिए, बाकी लोग वेट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग केस फाइल करेंगे तो 2 लोगों ने किया तो भी उसका इम्पैक्ट वही होने वाला है, 10 लोगों ने किया तो भी वही रहने वाला है। तो 5th और 6th दिसंबर के जो लोग अटके हुए हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अटके हुए हैं वो लोग केस फाइल करने जा रहे हैं सेबी के ऊपर कि इसका अभी तो सोल्यूशन निकालिए, हमारा नुकसान है वो कैसे करेंगे, क्योंकि सब उनके डिलीवरी भी नहीं हुई है, पैसे भी नहीं आए हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए एक हो सकता है कि सेबी पे कोई लोग केस करेंगे तो हो सकता है उसको कुछ आउटकम जल्दी से जल्दी में देखने को मिल सकता है। तो बैटकॉम ग्रुप में तो मैंने आपको 3 रीज़न बताया, ये 3 रीज़न थे जिसके कारण तेजी आई है, और कोई कारण नहीं था, कोई बड़ा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई बैटकॉम ग्रुप की ओर से कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, सिर्फ IT सेक्टर के शेयर्स के शानदार रिजल्ट आ रहे हैं उसका एक रिएक्शन था। ये दूसरा यूरोप मार्केट ऊपर गया, और तो ये सब कारणों के कारण थोड़ा सा हमें तेज़ी देखने को मिली है, बट ये तेज़ी बरकरार नहीं रही। बट डेफिनेटली Q3 के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी होप करते हैं जल्द से जल्द रिलीज करे कंपनी, तो उसके बाद में और भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। और देखना ये है कि क्या होता है आगे, बट ये 3 रीज़न्स थे जिसके कारण तेज़ी आई है, बट बहुत ज़्यादा बुलिश होकर चलना नहीं है, और बहुत क्वांटिटी में बाय मत कीजिए। हो सकता है फिर से अगर US का डेटा ख़राब आया, US मार्केट क्रैश हुआ, तो कल फिर से हमें 27 रुपीज़ के लेवल भी बैटका ग्रुप का शेयर दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।